हिमाचल प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को उनके एडमिट कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए पुलिस विभाग उनके रजिस्टर्ड मोबाइल में मैसेज भेजेगा, जिसके बाद उम्मीदवार अपनी सुविधा अनुसार पुलिस विभाग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। कांगड़ा में पुलिस कांस्टेबल के कुल 265 पदों के लिए 24,990 युवा उम्मीदवार मैदान की बाधा को पार करने को दौड़ लगाएंगे, जिसमें पुरुष कांस्टेबल के 178 पदों के लिए 18,893 युवक दमखम दिखाएंगे। इसके अलावा महिला कांस्टेबल के 52 पदों के लिए 5,189 और ड्राइवर के 35 पदों के लिए 304 उम्मीदवार मैदान में अपना भाग्य जगाएंगे। कांगड़ा में उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा 18 जून से 8 जुलाई तक आयोजित की जाएगी, जिसमें एक दिन में ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर के आधार पर 1500 के करीब युवाओं को बुलाया जाएगा। इस बार पुलिस भर्ती में तहसील के आधार पर किसी भी उम्मीदवार को नहीं बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सीरियल नंबर के हिसाब से युवाओं को एडमिट कार्ड जारी होंगे, जिससे एक ही क्षेत्र के युवा एक साथ भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। पुलिस मैदान धर्मशाला में विभाग ने शारीरिक परीक्षा के लिए सभी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। पहले 14 दिन पुरुष कांस्टेबल, 4 दिन महिला कांस्टेबल और अंतिम 3 दिनों के लिए ड्राइवरों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें चालक के पदों पर एक दिन शारीरिक परीक्षा जबकि अगले 3 दिन ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। शारीरिक योग्यता परीक्षा के तहत दौड़ 1500 मीटर पुरुष 6 मिनट 30 सेकेंड, 800 मीटर महिला 4 मिनट 15 सेकंड, हाई जंप 1.25 पुरुष व 1 मीटर महिला 3 प्रयास में और लॉन्ग जंप 4 मीटर पुरुष व 3 मीटर महिला के लिए 3 प्रयास में पास करना अनिवार्य है। दीक्षित, कांगड़ा में टोटल हमारे 265 पोस्टें हैं, जिसमें 178 पोस्टें हैं वो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स की हैं, 52 जो हैं वो लेडी कांस्टेबल्स की हैं और 35 जो हैं वो कांस्टेबल ड्राइवर्स की हैं। इनके लिए कुल मिला के 24,490 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था, मतलब जो कि फॉर्म एक्सेप्ट हुए हैं, और इसके तहत ही 18 जून से लेके 8 जुलाई तक हम इनकी सबकी रिक्रूटमेंट करेंगे। इसमें पहले 14 दिन जो है वो मेल जो कांस्टेबल्स हैं उनके लिए होगी, जिसमें 18,993 ये टोटल हैं, और 4 दिन लेडी कांस्टेबल्स के लिए होगी, जिसमें 5,189 ये लोग कैंडिडेट्स होंगे, और जो लास्ट 3 दिन हैं उसमें जो कांस्टेबल ड्राइवर्स के लिए है, जिसमें 304 लोगों ने अप्लाई किए हैं, उनके लिए भर्ती होगी। उम्मीदवारों को कॉल लेटर किस तरह से जारी किए जाएंगे सर? इसमें जो हम लोग अभी इनके जो ग्रुप्स हैं, जितने पहले दिन जैसे 700 लोग होंगे, नेक्स्ट दिन 1000 लोग होंगे, उसके बाद बाकी लोगों को जो बचे हुए लोग हैं उनको इवनली डिवाइड कर लिया जाएगा। उसके बाद हम उनका शेड्यूल एक बना के पुलिस हेडक्वार्टर को भेज देंगे और वहाँ पे ऑटोमेटिकली इनके लिए कॉल लेटर्स के लिए इनके लिए के जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होंगे उन पे एक SMS जनरेट होगा, जिसमें इनका लॉगिन ID और पासवर्ड इनको दिया होगा, उसको यूज करते हुए ये जो पुलिस का वेबसाइट है उसमें जाके लॉगिन करेंगे और उनका जो जो इनका एडमिट कार्ड है वो ऑटोमेटिकली वहाँ जनरेट हो जाएगा, उसको ये डाउनलोड कर लेंगे, उसको लेके हमारे पास आ जाएंगे। पुलिस भर्ती में सर इस बार एक ऐप का भी प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में बताएं सर। नहीं, ऐप के बेसिकली वेबसाइट ही है जी। तो जैसे आपके जैसे सपोज करिए आपने जो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ने कोई अपना एक नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपने फॉर्म में शुरू में जो उसने ऑनलाइन अप्लाई किया है उसमें दिया हुआ है, वो उस नंबर पे जैसे ही हम यहाँ पे शेड्यूल ड्रॉ करके थोड़ी देर में भिजवा देंगे, जिस सीक्वेंस में इन्होंने अप्लाई करके रखा है उसी सीक्वेंस में पिक करेगा। उसमें थोड़ी चेंज सिर्फ यही होगी कि जो ये फीमेल्स हैं अगर इनका बीच में होगा तो फिल्टर लगा के इनको आगे कर देंगे और जो ड्राइवर है उनका लास्ट में करेंगे, वो फिर इनका ऑटोमेटिकली SMS जनरेट होगा, SMS इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगा, उसमें इनका लॉगिन ID और इनका पासवर्ड होगा, उसको ये करते हुए जैसे इन्होंने जिस साइट पे इन्होंने पहले अप्लाई किया था पुलिस की वेबसाइट पे, उसी वेबसाइट पे जाएंगे, वो वेबसाइट एक्टिव हो जाएगा और अपना एडमिट कार्ड वहां से डाउनलोड कर लेंगे, जिसमें उनको सारी उनके जो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड पे है वो सारी ऑटोमेटिकली उस पर आ जाएगी, उसका एक प्रिंट ले लेंगे, उस प्रिंट को लेके फिर हमारे पास अकॉर्डिंगली इस पर डेट भी लिखी होगी, उस डेट पे आ जाएंगे। ठीक है सर। पिछले कल रात को कोठी गैरी के पास एक नैनो कार जिसका नंबर HP 3141436 है, ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई और
व्यक्ति जो कि चालक था और मालिक भी है गाड़ी का, उसकी जो है मौके पर ही मृत्यु हो गई है और उसका नाम है अनिल कुमार। और एक दूसरा व्यक्ति जो कि उसके साथ बैठा था वासुदेव, ये उसमें घायल है और इसको उपचार के लिए हॉस्पिटल में लाया गया है। तो ये रात को जा रहे थे, अभी तक दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया और पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।